Good morning, students, and I welcome you all in our Kids Carnival School online classes. Today we are going to start and we are going to study lesson 1 for class 2, and this video is specially for English subject class 2. Alright, so let's start. Now, the first lesson is the little plant. ठीक है, तो इस जो पोएम का टाइटल है द लिटिल प्लांट. प्लांट का मतलब हम जैसे जानते हैं पौधे होते हैं छोटे छोटे, और लिटिल का मतलब छोटा होता है. ठीक है, नाउ इन द हार्ट ऑफ अ सीड. हार्ट का मतलब होता है, हार्ट का मतलब होता है कोई भी चीज जहां पे, जैसे कि हमारे हमारे शरीर में भी हार्ट होता है, वैसे ही हर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके भी मेन सेंटर होते हैं जहाँ से हर चीज़ की शुरुआत होती है. इसलिए इस पोएम में लिखा हुआ है इन द हार्ट ऑफ अ सीड. सीड का मतलब होता है बीज, कोई भी बीज का जो सेंटर होता है जहाँ से शुरुआत होती है. बरीड डीप सो डीप. बरीड का मतलब होता है किसी को जमीन के अंदर खोद के नीचे बहुत गहराई में डाल दिया जाता है. बरीड डीप सो डीप, इसका मतलब ये हुआ जैसे कि हम जो किसान होते हैं, जब कभी हम लोग भी कोई पेड़ का बीज बोते हैं तो उसको हम जमीन के अंदर खोद के और फिर नीचे हम उसे डाल देते हैं, बरीड कर देते हैं, मतलब दफना देते हैं, दबा देते हैं. ठीक है, सो बरीड का मतलब दबा देना भी होता है, दफना देना भी होता है. अ टाइनी लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप. अ टाइनी, एक छोटा सा जो बहुत पौधा है, मतलब एकदम छोटा सा पौधा है. ले मतलब बड़े होना, फास्ट और अस्लीप मतलब बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है. कैसे, क्योंकि जब वो नीचे बीज होता है तो बीज को बड़ा होने में, बीज से पौधा बनने में उसे समय लगता है. तो उस वक्त तक वो क्या होता है, उसको हम लोग पेड़ में पानी डालते हैं उस बीज के ऊपर, उसकी हम सेवा करते हैं, तभी जाके वो बीज बड़ा होता है. ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे ले फास्ट स्लीप, बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ है. वेक सेट द सनशाइन. वेक मतलब होता है जगाना. जब सूरज की पहली किरण जब सुबह उगती है तो वो उस वक्त जो उस बीज को कहती है वेक. ठीक है, उसमें जो पोएट ने लिखा हुआ है, जो कवि ने लिखा है, वेक सेट द सनशाइन. सनशाइन मतलब जो सूरज की किरणें आती हैं. एंड क्रीप टू द लाइट. क्रीप का मतलब होता है रेंगना और लाइट का मतलब होता है प्रकाश. तो जो पोएट लिख रहा है कि जाके सूरज के प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो उसको जगाती हैं और कहती हैं कि मेरी तरफ रेंगते हुए आओ, मतलब मेरे प्रकाश की तरफ रेंगते हुए आओ. इसका मतलब ये हुआ, आप समझो सिंपल सी बात, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जब रेंगते हैं ना अपने घुटनों के बल तो हम बुलाते हैं ना बेटा आ जाओ आ जाओ. सेम उसी तरीके से पोएट ने भी सूरज की किरणों को इस प्रकार बताया है कि वो जाके उस बीज के बीज को बोलती है, बोलता है कि जाके आप उठें और मेरी तरफ रेंगते हुए आए. वेक सेट द वॉइस. वॉइस मतलब आवाज होती है, तो जो उसको बार बार जाके बोलती है कि बार बार उठाओ जल्दी चलो. ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट. और जैसे कि इस फोटो में देख रहे होंगे कि बारिश की किरणें भी हो रही, मतलब बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं और उसके ऊपर जो बारिश की जो बूंदें जब गिरती हैं तो वो चमक रही हैं, और उसमें बोलता है कि वो जो बीज है वो चमकते हुए बाहर निकले. ठीक है, उसके बाद पोएट ये बोलता है द लिटिल प्लांट हर्ड एंड इट रोज टू सी. ठीक के बाद जो छोटा सा पौधा जो बीज होता है वो सुन लेता है उसकी आवाज को और वो सुन के उगने लग जाता है. एंड इट रोज टू सी मतलब वो उठ के और वो खड़े होके बीज पौधा बनने लग जाता है और वो देखने लग जाता है कि कौन मुझे आवाज दे रहा है, कौन मुझे बुला रहा है. व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी. और जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जमीन के नीचे मतलब एक छोटी सी दुनिया थी, और जब वो जमीन के बाहर आके पौधा बनता है तो व्हाट द वंडरफुल, वंडरफुल मतलब बहुत ही खूबसूरत दुनिया उसको बाहर नजर आती है. आउटसाइड मतलब बाहर, वर्ल्ड मतलब संसार, और माइट भी मतलब बहुत ही खूबसूरत सा संसार उसको दुनिया दिखने लग जाता है. ठीक है, तो ये है पोएट पोएम. और पोएट का जो नाम है यहाँ लिखा हुआ है केट लुईस ब्राउन. ठीक है, इन्होंने इस पोएम को लिखा है
ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस आपको उस आगे जब आप जाएंगे नीचे, जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे इस पोइम के, उसमें ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डेफिनेटली, तो ये आप याद कर लेना। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको मैंने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स, उनकी मीनिंग और उनकी कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखवा रखे हैं, वो आप इसे अपने नोटबुक में लिखेंगे जैसे कि मैं बताऊंगा कैसे। तो ये रहा, आपको सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड में अपना डेट, फिर लेसन नंबर 2 द लिटिल प्लांट यहाँ लिखना है। ठीक है, के बाद यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिखना है, और पहला वर्ड जो है हार्ट। हार्ट का मतलब तो दिल होता है, जैसे कि ह्यूमन में बॉडी होती है, हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, लेकिन इसका एक और मतलब होता है कोई भी चीज ऐसा जो कि सेंटर हो, मतलब केंद्रित हो, उसी पे सब कुछ चलता है। जैसे कि भारत देश का जो इंडिया कंट्री है उसका सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट क्या है, तो मुंबई है, क्योंकि वहाँ पे सारे बिजनेस स्टैब्लिश्ड हैं। उसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने दिया हुआ है, पुलिस रेड, रेड मतलब छापा मारना होता है, अलोंग कॉन्टोंडो, कॉन्टोंडो स्ट्रीट एक जगह का नाम है इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल सिटी, मतलब जो उस शहर का, उस राजधानी का जो शहर था उस पे पुलिस ने छापा मारा। मतलब हार्ट का मतलब सिंपल सिर्फ दिल से नहीं होता है, हार्ट का एक और मतलब होता है जो कि सेंटर होता है, किसी की, किसी का सबसे प्यारा, किसी का सबसे दुलारा भी आप उसे बोल सकते हो। ठीक है, जिसके ऊपर सब कुछ निर्भर होता है, सब कुछ डिपेंड होता है। दूसरा वर्ड है बरिड। बरिड का मतलब जैसे मैंने उस टाइम बताया था दफनाना, जैसे कि हम बीज को दफना देते हैं जमीन के नीचे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, उसका मतलब है पुट डीप इनटू द ग्राउंड, पुट और हाइड, कोई चीज छुपाने के लिए हम लोग जो जमीन में गाड़ के कभी कभी छुपा देते हैं ना, जैसे हम खेलते हैं खेल खेली में, हम जमीन के अंदर या रेत के अंदर हम खोद के उसको छुपा देते हैं। इसमें इसके एक एग्जाम्पल है, इट वॉज स्टोर्ड एट द मेन फार्म, कूल वुडन बैट्स ऑफ सॉ, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप इसे छोड़ देंगे। ठीक है, सिर्फ सिंपल मतलब है, बरिड का मतलब होता है दफनाना। ठीक है, सीड, सीड का मतलब होता है बीज, बीज जैसे कि हमने बताया हर पेड़ का, हर जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनका एक बीज होता है जिससे कि हम बो के उसके पौधे बनाते हैं, जैसे कि गेहूं का, फिर चावल का भी बीज होता है। ठीक है, जिसको हम सो मतलब बोना होता है जमीन के नीचे, और जब हम बीज बोज बीज को बोते हैं तभी वो पौधा बन के आता है, तो सीड का मतलब होता है बीज। लिटिल, टाइनी का मतलब होता है लिटिल, जो छोटा होता है, इसका टीनी नहीं प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसको टाइनी बोलते हैं, टाइनी मतलब छोटा, जैसे यू और ही ओनली एट अ टाइनी बाइट, बाइट मतलब एक छोटा सा टुकड़ा निवाला का, तो छोटे जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े खाते हैं, टाइनी बाइट्स खाते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े खाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा वर्ड है ले। ले का मतलब है रखना, कोई चीज को रखना। अब रखने का दो तरीका होता है, कोई भी चीज ऐसे हम सीधे अगर रख दें उसको हम बोलते हैं ले, मतलब कि अगर आप सीधे अगर जमीन पे लेटे हैं तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं आई एम लेइंग ऑन द ग्राउंड, अगर आप सीधे लेटे हैं तो। ठीक है, इसका सिंपल मतलब होता है ले मतलब वॉज लाइंग इन अ फ्लैट पोजिशन, मतलब एकदम सीधे पोजीशन में आप लेटे हो तो। नेक्स्ट वर्ड है क्रीप। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। ठीक है, रेंगना कोई भी चीज स्लोली रेंगती है, जैसे स्नेक वॉज क्रीपिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो जो सांप था वो धीरे धीरे रेंगते हुए तो आगे बढ़ता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है उज्ज्वल, कोई भी चीज जो चमकीला होती है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है रोहन इज अ ब्राइट स्टूडेंट, मतलब रोहन जो है बहुत ही चमकीला। अब चमकीला का वो मतलब मत समझ जा जैसे कि कोई चीज चमक रही है, चमकीला का दो मतलब होता है, कोई वस्तु चमकती है तब भी हम ब्राइट यूज कर सकते हैं, या कोई अपने काम से चमक रहा हो, कोई अपने काम से नाम नाम में बहुत उसका हाई हो, बहुत ही लोग उसको पसंद करते हैं, उसको भी हम ब्राइट में ही लाते हैं, इसीलिए लिखा है रोहन इज अ ब्राइट स्टूडेंट, मतलब रोहन जो है अपने क्लास में बहुत अच्छा स्टूडेंट है, जो कि हर अपनी होमवर्क को टाइम पे करके लाता होगा, उसलिए उसको उसमें यूज किया गया है रोहन इज अ ब्राइट स्टूडेंट।
नेक्स्ट वर्ड इज रोज। रोज का मतलब दो होते हैं, एक तो रोज मतलब गुलाब होता है, लेकिन इस पोएम में जो इस वर्ड का मतलब लिखा गया है वो राइज है। राइज का सेकेंड फॉर्म होता है रोज। अब आगे ग्रामर में पढ़ेंगे कि हम वर्ब के कितने फॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है। तो उसी में ये सेकेंड फॉर्म लिखा गया है, राइज मतलब कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना। जैसे कि राइज का मतलब होता है उगना, कोई चीज जैसे उगती है, ठीक है। इसके अलावा ये आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में लिखना है और उसको याद करके हमें सुनाना है, ठीक है। और जब ये आप लिख लेंगे तो आपको अपनी क्लास में जब स्कूल ओपन हो जाएंगी उस वक्त ये आपकी होमवर्क्स में चेक होगी, ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहा। उसके बाद आपके दो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, वो दोनों क्वेश्चन के आंसर ही मैंने लिख दिया। आपको ये भी याद करके और लिखना है नोटबुक में अपने। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट। सो पोएट का नाम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में, केट लुईस ब्राउन रोट दिस पोएम, मतलब उन्होंने ही इस पोएम को लिखा है, केट लुईस ब्राउन। और व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस पोएम, पोएम का टाइटल क्या है, टाइटल ऑफ दिस पोएम इज द लिटिल प्लांट, ठीक है। नाउ इन सभी चीजों को आपको पहले अपने कॉपी निकालनी है इंग्लिश की, उसमें ये सबसे पहले हेडिंग में अपना डेट, लेसन नंबर, इंग्लिश चार सब्जेक्ट लिखना है, उसके नीचे आपको वर्ड की मीनिंग्स लिखनी है, और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और इन दोनों को याद करके एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के आप हमें व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में जब हमारी इंग्लिश की क्लास होगी उस वक्त हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।